हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हम लोगों ने मिलके प्रेडिक्शन लगाया था कि रियलमी 9 सीरीज़ के अंदर अपना स्टैंडर्ड रेगुलर वर्जन को 9i को सबसे पहले लॉन्च करने वाला है, एंड इसके ठीक बाद हम लोगों को बाकी के तीन स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा, 9 प्रो एंड 9 प्रो प्लस। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों, वियतनाम के अंदर 9i स्मार्टफोन कंफर्म हो चुका है ऑफिशियली। बिल्कुल यहाँ पे 10th of January आने वाला है इस फोन का फर्स्ट लुक टीजर, एंड साथ ही साथ काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है जिसके बारे में हम आगे इसी वीडियो के अंदर बातें करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले और हर रोज़ मिल पाए। एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ यार लाइक भी कर लेना, आपकी एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ हर रोज़ बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो फाइनली दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद, लीक्स के बाद एंड रूमर्स के बाद रियलमी 9 सीरीज़ के अंदर रेगुलर वर्जन ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, लेकिन वियतनाम के अंदर हुआ है। गाइस यहाँ पे 10th of January आने वाला है ऑफिशियली, एकदम 100% कंफर्म है रियलमी 9i को लॉन्च किया जाएगा, एंड इसके ठीक बाद हम लोगों को बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर भी लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। शायद से जनवरी लास्ट वीक तक हम लोगों को 9i लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है, बाकी के तीन स्मार्टफोन फरवरी मिडिल या फिर फरवरी लास्ट वीक तक हम लोगों को लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करेंगे 9i की प्राइस के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली आप मान के चलो अंडर 13,000 के आसपास में रहने वाला है, क्योंकि ये एक 4G स्मार्टफोन होने वाला है, स्नैपड्रैगन 680 के साथ लॉन्च किया जाएगा। गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट लुक है ना, कुछ इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिल जाता है। पीछे हम लोगों को पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ ट्रिपल लेयर कैमरा, एंड फ्रंट में हम लोगों को जो है IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है पंचोल कटआउट के साथ। कोई भी यहाँ पे एमलेट वगैरह को यूज़ नहीं किया गया है। 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ हम लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कैमरा के बारे में अगर बातें करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 50MP ट्रिपल लेयर कैमरे के साथ आने वाला है मेन प्राइमरी शूटर। फ्रंट में हम लोगों को जो है 13MP से लेकर 16MP तक देखने को मिल सकता है। एंड इसी के साथ साथ गाइस अगर बैटरी के बारे में बातें करेंगे तो 5000mAh बैटरी एंड यहाँ पे 33W फास्ट चार्जिंग के साथ हम लोगों को Realme 9 सीरीज के अंदर रेगुलर वर्जन लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे 9i तो कंफर्म हो चुका है वियतनाम के अंदर, जनवरी 10th लॉन्च होने वाला है ऑफिशियली, एकदम 100% कंफर्म है। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया के अंदर भी हम लोगों को लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। और माधव सर ने आस्क माधव 30 एपिसोड के अंदर खुद कहा था कि जनवरी एंड फरवरी के अंदर हम लोगों को काफी कुछ एक्साइटिंग देखने को मिलेगा Realme की तरफ से, एंड Realme 9 सीरीज के जितने भी फैन है ना, उन लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा। तो हम लोग जो है एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि Realme 9 सीरीज के अंदर एटलीस्ट रेगुलर वर्जन इंडिया के अंदर भी जनवरी तक लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाए, बाकी के तीन स्मार्टफोन फरवरी तक लॉन्च हो जाए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 9i जनवरी के अंदर लॉन्च होता है तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। 9i एक काफी एग्रेसिव प्राइस के साथ लॉन्च किया जाएगा, एंड यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन भी हम लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।